नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर एमपी के धार जिले से, जहां कल जो खौफनाक तस्वीरें सामने आई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में भय का माहौल हो गया, उससे जुड़ी हुई। दरअसल मामला है धार जिले के धर्मपुरी तहसील कोठीदा बारुणपुरा क्षेत्र का, जहां पर 304 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ डैम लीकेज हो गया। आपको बता दें कि ये जो डैम है, जिसकी लागत 304 करोड़ है, ये डैम अभी हाल ही में एक डेढ़ साल पहले ही बनकर तैयार हुआ है। इतने कम समय में इस डैम में दरार आ गई और लीकेज ये हो गया। कल पानी का रिसाव इसमें से काफी ज्यादा होने लगा और कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। यहां तक कि खुद डीएम ने भी क्षेत्र का दौरा किया, पुलिस ने आसपास के गांवों को खाली कराया, लोगों से अपील की। धार से, धार बाईपास जो मुंबई आगरा मुंबई जाता है, उस रोड को बंद करवा दिया गया ताकि कोई हताहत ना हो। हालांकि शाम होते होते ऐसी जानकारी आई कि सेना ने मोर्चा संभाला और डैम को फिर से रिपेयर किए जाने की कोशिशें जारी थी। डैम में से वाल खोलकर पानी की निकासी भी की जा रही थी ताकि डैम को टूटने से बचाया जा सके। अब यह तो रही बात डैम के लीकेज होने की, लेकिन क्या ये जो लीकेज है ये साधारण बात है? नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एमपी की सरकार, भाजपा सरकार, गुड गवर्नेंस का दावा करती है, लेकिन एक ही साल में 304 करोड़ की लागत का डैम अगर टूटने की कगार पर आ जाए तो उसको क्या कहा जाए? ये तस्वीरें काफी भयावह थी, लोगों में डर का माहौल काफी पैदा हो गया। अब यहां कई क्षेत्रों में तो ऐसी हालत हो गई, लोग ये सोचने लगे कि हम अपनी जान बचाए या संभावित बाढ़ से अपना सामान बचाए। हालांकि कल की यह घटना है और अभी तक ऐसी कोई हताहत हुई नहीं है और युद्ध स्तर पर मरम्मत का कार्य जारी है, लेकिन तब भी इस डैम में आई दरार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। ये 304 करोड़ रुपए जो है कहां से आए? आप जैसे, मेरे जैसे, हम जैसे लोगों के टैक्स का ये पैसा है। इस पैसे की बर्बादी तो है ही, साथ ही साथ लोगों की जान से खिलवाड़ भी है। अब क्या प्रशासन इसके जिम्मेदार लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। आगे वीडियो में देखिए, तस्वीरें देखिए कल की। ये तस्वीरें हमको हमारे चैनल पर एमपी जिले के हमारे संवाददाता मासूमा नलवाले ने भेजी हुई है। अब देखिए तस्वीरें और खुद अंदाजा लगाइए कि कितनी भयावह स्थिति धार जिले की कल थी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। गांव वालों से निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने घर छोड़ के और इधर मुझे पे आ जाए। सभी लोग घरों से बाहर निकलना है, कृपया करके। घरों के अंदर कोई नहीं रहे। डैम से पानी निकलने वाला है, आप लोग तत्काल घरों से बाहर निकले। सभी लोग बाहर आ जाए।
हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।